अनंत आ जाओ, पास में आ जाओ सर के। हाँ आ जाओ। अच्छा तो दोस्तों इस नाचिस को राजू एक बार कहते कलू भाई थैंक यू और थैंक यू नावेश एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। मैंने सड़ा हवा ये जो जी मराठी पे प्रोग्राम आता है उसमें मैंने शिरकत की थी और मेरी मैं खुश नसीबी समझता हूँ कि सदाशिव अमरापुरकर साहब का मैंने वहाँ पे लुक लाइक परफॉर्म किया था। तो लीजिए झलक पेश है। अरे हरबू, अरे ऊपर से तेरी खोपड़ी भले ही बंजर जमीन हो, अरे अंदर से हरियाली है हरियाली। मैं वो नाक हूँ जो सामने आए तो अपने बाप को भी डस ली था, तो नाकाबंदी क्या चीज है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा सम्मानित करें इस बेहतरीन कलाकार को। प्लीज आइए। मैं चाहूंगा कि अगम सर ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। ताली जरा बजा दीजिए। प्लीज कुछ कहना चाहते हैं अगम जी के बारे में? सबसे पहले तो जोरदार तालियां कल्लू भाई के लिए। भाई आप पीछे आ जाओ। इसके बाद मैंने जैसे आप सभी से कहा था कि हिंदुस्तान सभी को अवार्ड मिले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर निगम साहब से गुजारिश करूंगा सर, सर मंच पे आए जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि राजीव भाई सिर्फ दो लाइन आप जरूर कहें प्लीज। शमा बुझ के जल सकती है, कश्ती हर एक साहिल से निकल सकती है। शमा के बाकी मंजिलें अभी और बाकी सारे लोग आजू बाजू में अगम निगम सर को राजू राजू शाहरुख भाई के पास में रखिए, उनको नाविद नाविद सर के पास, नाविद सर के पास। हाँ जाइए जाइए प्लीज। यस यस, एक एक फोटोग्राफ आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। ओके ओके सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ले ले। चलिए कटिंग कटिंग करके ले लीजिए, अगर इतना बड़ा फ्रेम नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक, इस अवार्ड को ज्वाइन करने के लिए कोलकाता से खास करके यहाँ पर आई है। मैं चाहूंगा कि नावेद सर मैं जी। तो एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। आने का तो यहाँ एक बहाना था। जोरदार तालियां, बहुत ही फैन मोमेंट है, मैं इनका जबरदस्त फैन हूं। जी जी कोई बात नहीं कीजिए प्लीज फटाफट, ताकि आगे चलते हैं आगे की तरफ और हम एक झूमर का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। जी जी बाकी हम जो मेरे हाल पे हंसता होगा उसका गम मुझसे भी ज्यादा होगा, जो मेरे हाल पे हंसता होगा उसका गम मुझसे भी ज्यादा होगा। ये जो श्रृंखला है वो बढ़ती जाए, हमारे साथ में एक बड़े कलाकार हैं और हमारी आने वाली फिल्म कॉफी में उनकी सारी टीम की तरफ से इस पूरी टीम को बहुत। कल्लू जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा सख्त है, ऐसा सख्त है जो आप दिलीप कुमार का डुप्लीकेट देख रहे हैं हिंदी में, दिलीप कुमार का डुप्लीकेट और साउथ इंडिया में ब्रह्मानंद जी का डुप्लीकेट। मैं एक दो चीज बोलूंगा, आज की जान सुनील भाई थे और साउथ इतनी हाँ जगह नहीं देते बोलने की, लेकिन आज कसम से भगवान की सौगंध आपको बहुत अच्छी तरह से समा बांधा। ईश्वर मालिक भगवान जो भी सकते आपको हमेशा एक यही हस्ती थी जिनको इन्वाइट किया गया। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी ईश्वर आपके राम कृपा बनाए रखे, राम और ईश्वर के कृपा से क्या करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा की आज का जो प्रोग्राम शो रहा है और सुनील भाई ने जो चार चांद लगाए हैं, इतना कुछ सीखने को मिला है आर्टिस्ट कॉमेडियन के नाते, और धन्यवाद उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे बाबा। क्या बात, पैरों में सुन रहे होते सर पे घूम सर। मैं आपसे जानना चाहते हैं, आपने भी डबल रोल किया, आपने ऑर्गेनाइजर के साथ भी आप कंधे पे कंधे लगाए कल्लू जी के साथ, और आप मिथुन जाके कौन नहीं जानते आप, कौन क्या बोलना चाहते कल्लू जी के बारे में, आप खुद के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि एक मिनट रुक 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 मैंने
पहले रुक, अभी पहले रुको। सारे लोगों ने लुक लाइक सुनील पाल जी हमारे कल्लू भाई जी सारे लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया, इतना अच्छा शो हुआ, इतनी सारी ऑडियंस मिली, बेहतरीन ऑडियंस मिली, तो अब इस शो को ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छा लगा। सारे लोगों का सपोर्ट रहा, अभी हमारे लुक लाइक दिलीप कुमार जी यहाँ पे है, जॉनी लीवर जी, सुनील पाल जी, कहीं कहीं लंबे लंबे से लोग आए यहाँ पे शो अटेंड किया। इसके लिए हम जितने लुक लाइक है यहाँ के ऑडियंस है, हमारे आज के एंकर साहब है, सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। कल्लू भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि हर साल आप ऐसा कार्यक्रम करिए। और मेन बात तो ये थी कि जितने लोग आए थे यहाँ पे उनमें से कोई लोग बाहर गए नहीं, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ में। इसका स्मॉश टीम से जाता है सुनील भाई, और ऑन कैमरा मैं पूछूंगा जवाब बहुत भारी है। सुनील भाई आप एक चीज बताए, इतना इंस्टेंट आप सोच के जो गए थे वो कैसे आप शादी के बाद सुनील जी हाँ, इस तरह का प्रोग्राम में लगता है कि हम जैसे कलाकार, जैसे फेस कलाकार है, उनके लिए कुछ लोगों का आगे बढ़ के आना चाहिए। मतलब जिस तरह के कल्लू जी, बाकी आप लोग जो मिले कर रहे हैं, कुछ लोग और जुड़ करके, इन लोगों से होता ना कि चमक जो बता पर्दे के पीछे दब गया है, कुछ और आगे आना चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम देखे इतना सक्सेसफुल, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी ऑडियंस है, कितने कलाकार रहा फेस जितना भी है सब आए, बड़ा मुस्कान देके गया, आपको दुआएं देके गया। इस तरह का प्रोग्राम आपने जो की है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा लोगों को जो धीरे पर मुस्कान दिया है, किस तरह आपने सोचा आपने प्रोग्राम करने? ये मैं 8 साल पहले प्लान किया था कि ऑरिजिनल लोगों की अवार्ड नहीं तो सब करते हैं, तो ये भी तो कलाकार है ना, ये भी तो उनके जूनियर्स है, तो इनके लिए किसी ने नहीं सोचा। तो मेरी तमन्ना थी कि हमारे लोकल लाइक भाई के लिए मैं अवार्ड का शो रखूं, और परफॉर्मेंस मुझे नहीं कराना था किसी से, उनके सामने ओरिजिनल लोग आके परफॉर्म करें ये मेरा ड्रीम था। अब ऐसा कामयाब हो गया, सब लोग आए, मैं उनका शुक्रिया अदा किया, और जितने भी चैनल्स वाले आए उनका भी शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने कवरेज की। तो ये ड्रीम था कि लोकल लाइक के सामने ओरिजिनल परफॉर्म करें और अवार्ड भी वही देवे, और वो आज सक्सेस हो गया हमारा। और पूरा सपोर्ट मुझे इन्होंने एनके नरेश कोहली साहब हैं जो सिंगर हैं, आप लोगों ने देखा कैसा गया, कैसे वो पूरा जगह हैंडल कर रहा था। मैं जाना चाहता हूँ, सबसे पहले भी आपने फेस के लिए बहुत सारे कहते हैं बोगी बुगे हो, अगर जो भी हो बोगी बुगी, जो प्रोग्राम था नावे साहब आए थे यहाँ, उसमें सारे लोकल लाइक मैंने ही डाले A to Z, वहाँ से बोगी बुगी हिट हुआ था, तो मुझे उनको बुलाना ज़रूरी था, जो जज थे ना उसके, तो उनको मैंने ही दिए थे 75 डुप्लीकेट दिए थे, और वो आ गए नावे साहब, मुझे अच्छा लगा। सर तो इस तरह के लोग जिस तरह आप काम कर रहे हो उनके साथ कुछ और लोग जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को जो पहचान है, जो टैलेंट है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता मैं से कोई जुड़े, मैं वन मैन शो किया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये मैंने हमारे जिन्होंने पूरी जान लड़ाई शो के लिए, जैसा बोला वैसा किया, थोड़े किट-पिट भी हुई, झगड़े भी हमारे, और लोकल लाइक की बात आती तो वहाँ झगड़े होते ही थोड़ी बहुत, समझे? तो ये जैसा ड्रीम था वो पूरा हो गया सर, अभी इन्होंने गाना गाया, परफॉर्मर भी हैं, बिल्कुल लागी है भाई भी है। सर आपको काफ़ी सारी तारीफ मिल रहे हैं, और स्टेज पे आपने हार्ड वर्क भी किया, आपने काम भी कर रहे थे, परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, और भी मार रहे थे, इतनी सारी टैलेंट दुनिया सबसे मिला या अलग अलग? इनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और यहाँ पर बहुत खुशी हुई, एक नया रास्ता मिला हमें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम हमेशा हर जगह पे शो करते हैं, पर यहाँ पे यूनिक शो था, ये काफ़ी स्टार लोग आए हुए थे, VIP गेस्ट आए थे, और ज़्यादातर इनका बहुत मेहनत है, इन्होंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया, ये इतना आसान नहीं है बड़े बड़े लोगों को बुला के यहाँ पे उनका परफॉर्म करवाना या उनका प्रेजेंटेशन देना। अच्छा, और एक बात, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और जो लोकल लाइक आए थे वो भी बहुत खुश होकर गए, ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे, कि जो लोग आए वो वापस गए नहीं, मतलब लास्ट तक एंजॉय किया सारे लोगों ने। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो मेन है ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पब्लिक तक पहुँचना चाहिए कि लोकल लाइक के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और मैंने सोचा था, वो आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ। और सबसे अच्छी बात क्या हुई आज के शो की, मानो जितने भी कलाकार आए, ये पहला शो था जिसमें म्यूजिशियन ने किसी ने मुझसे पैसा नहीं लिया, मतलब लोकल लाइक का शो है, इसमें हमको उनको करना है, तो ये शो में किसी ने पेमेंट नहीं दिया। आप सोचेंगे नावे जाफरी ने लिया, आगम साहब ने, नहीं नहीं नहीं, और उन्होंने कईयों ने तो ये पूछा
पूछा कुछ हेल्प चाहिए क्या पैसे की, मैंने नहीं लुको लाइक का शो है कल को, ये ना मार्केट में है इनके लिए डोनेशन लिया, किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया, पूरी मेहनत लगाई और सारे के सारे ये पहला शो है इंडियन मतलब फिल्म इंडस्ट्री का, ये पहला फंक्शन है जिसमें पेमेंट ही नहीं हुई किसी को, इसमें राजेंद्र आचार्य साहब खड़े हमारे फोटोग्राफर है, डांस हॉल है इनका ऐसा एच करके, ये तक बिना बोले मुझसे पूछे बिना अपना पूरा इक्विपमेंट ला के लगाए कि भाई का शो, तो मुझे इस बात की खुशी किसी ने पैसा नहीं लिया, ऑडियंस को भी रोको अभी पूछ लोगे पूछो उनसे पैसे लिए, इतने बड़े काम किस तरह आपने हैंडल कर लिया, किस तरह इस तरह काम जो होता है ना इजी था मेरे लिए भाई, ये करना था ये मेन मुद्दा था, बाकी इजी था, एक ठीक है बैंक बैलेंस नहीं बनाया मैंने लाइफ में, जो इज्जत मैंने कमाई ना वो आज लोगों को दिख गई, एक वर्ड पे है सारे, मैंने माइक छीन के बोला मुझे पसंद नहीं इंटरव्यू देना ना, मैं भाई माइक नहीं बोलता हूँ, सुनील पाल जी से मैंने माइक लेके बोला, एक जबान पे सारे लोग आए, ये रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं, और इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये रिस्पेक्ट है, ये हमारे आई, ये हमारे गणेश नागर है, आपने गिटार बजाते देखा, रिवर्स बजाते देखा, ये जिंदगी में कभी ना जाए इसके बोलने पर, इस बार बोला भाई तुम लोगों के लोग अपने लुक लाइक शो है, मैं पेमेंट ही दूंगा आप आना, एक वर्ड पे आया, फैमिली रिलेशन है, तो बात करना चाहिए सर के बारे में, सर के बारे में हम लोग बहुत सारे टूर किए साउथ अफ्रीका, बहुत सारे शोज किए, नमो भाई उनके बड़े भाई तो उनके साथ ऐसे रिलेशन थे कि कोई भी ईद मेरे इनके मेरे घर के ही जाता था और किसी के पास नहीं जाता था, वो प्यार था, उन लोग मेरी राह देखते थे, इन लोग इतना चक्कर देते इनके चक्कर में कई शो में डेट आगे पीछे की, मुझे ये बंदा चाहिए कि बात, एक तो कलाकार अच्छा होने के साथ इंसान भी अच्छा होना ज़रूरी, और इसका टैलेंट आज आप सब लोगों ने देखा, जितना होता इसको लोगों में फैला ही, ऐसे टैलेंटेड लोग आए थे, और ये बात पहले किसी ने पैसा नहीं दिया, मैं खड़ा हूँ सामने ये आर्टिस्ट से ज़्यादा करता हूँ, किसी ने पैसा नहीं, हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहता आपकी मैम, हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए बाकी जो जनता लोग देखेंगे इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, मैसेज क्या दूंगा इस तरह के लोग अगर मतलब इस तरह का कोई मुझे ठीक है, लेकिन मेरी जगह कोई और ऐसा शो करे तो उसको लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए सामने से, उनको पूरा सहयोग करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, मैंने ना हेल्प ली ना किसी को बोला कि मुझे डोनेशन चाहिए या कुछ चाहिए, नो डोनेशन नथिंग, क्योंकि मुझे इनका नाम नहीं खराब, मैं चाह रहा था ये लुक लाइक का नाम ऊपर आए और इनकी एक इमेज बने, इनकी भी प्राइस बढ़े, वो मेरी नीयत थी, मैंने कर दी, और कितने लोग तो बिना मिले चले गए मुझे, तो मैंने मेरा काम कर दिया, तो मैं नहीं चाहता मेरी आके तारीफ करे ये करे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम किया और बहुत अच्छे जैसे कि लुक लाइक मुझे ये लुक लाइक नहीं था, लुक लाइक मुझे एक था कि जिसे किसी की बॉडी डूब्स करते हैं किसी का चेहरा लुक करता है, पर मेरा बॉलीवुड के कलाकारों को यही बोलना है कि इनको तुम लोग सपोर्ट करो, और वैसे ही सर ने जैसा आज लुक लाइक को बुला के वैसे मेरे ऐसे विकलांग आदमी लोग को टेज देके मेरे ऐसे 300 शॉर्ट आइट लोग मैंने जो दबंग में है ब्रो में काम किया 300 लोग जमा किया, मेरे ट्रस्ट है साहब ने मेरे करुणा महामारी में कॉल किया था कि साहब हमको काम की बहुत गरज है बहुत मदद कर रहे, तो इन्होंने इनकी ट्रस्ट की तरफ से इनकी तरफ से हमारे लिए बहन मुट्ठी बन के जो मदद किया हमारे लिए अपंग आदमी के लिए आगे आए, तो मेरा ये कहना है कि इनके टीम को सपोर्ट करो इनको आगे ले गए, और जैसे साहब ने बोला कि डोनेशन किसी से नहीं लिया इन्होंने, ये किसी से डोनेशन नहीं लिया, खुद के बर्दों पर खुद के इसके उल्लू पे किया खुद के जुनून पे किया कि कलाकार से कलाकार खड़ा रहना चाहिए कलाकार से प्लेटफॉर्म बना के, तो मेरे हिंदुस्तान के वासियों को भी ये कहना है कि आप प्लीज करके लुक लाइक्स गया जैसे एक्टर्स है जितने एक्टर है उनको सपोर्ट करो उनकी पेमेंट बढ़ाओ, उनको प्रोड्यूसर लोगों को डायरेक्टर लोगों को कहना कि इनको काम दो, राइटर लोगों को बोलना कि काम दो इनको, और काम की वजह से सारी कुछ चीज़ें होगी और सपोर्टिंग बाय करते रहो, और जैसे मेरे को मेरे पास 300 शॉट है मेरे को भी काम मिलते रहता सर के थ्रू से उनके हर शो में मैं रखते रहता हूँ कहीं कहीं, तो प्लीज करके आप लोग भी हमें याद करो, थैंक यू, और मैं इतना आखिर में कहना चाहूँगा कि पब्लिक ने सबने जितनी भी ऑडियंस आई शो बहुत लाइक किया, एंड में यहाँ करना चाहूँगा कि शो हाउसफुल होने के बाद जेब से मैंने पैसे लॉस उठाया लेकिन मैं मांगी नहीं किसी से, ये शो फुल था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा पब्लिक ने लॉस उठाया, मेरा कम नहीं, एक तो इनके लिए शो करना प्रॉपर हो, इस शो को देखने का कोई बोलना नहीं चाहिए कि रुको लाइक लोगों से पैसा लिया और उनको अवार्ड दिया, वो काम मैंने नहीं किया, थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू, पता है जिस तरह कल्लू भाई ने इतने बड़े प्रोग्राम बोले फेसबुक अवार्ड ऐसे कम लोग करते हैं, आप दोनों को दिया गया है, कितना आप लोग एक्साइटमेंट हो, आप प्रेम जी आप धर्मेंद्र जी एक शान मान और अपने आप को कितना गर्व होता है जो आपको मिलेगा,
मुझे तो लगता है कि ये कल्लू भाई ने सबको अवार्ड दिया है कि हम लोग को मिलकर कल्लू भाई को ही अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा लोग लाइकों के लिए बाग दौड़ करते हैं आज से नहीं। और इनके जो बड़े भाई जो इस दुनिया में नहीं है, जूनियर महमूद भाई, उन्होंने एक ग्रुप लाइकों को एक प्लेटफॉर्म दिया, काफ़ी शोज़ वगैरह किए आज से 1996-95 में हमने काफ़ी शोज़ किए उनके साथ। और वो एक महमूद साहब के लुक लाइक तो नहीं बोलूँगा, एक बहुत अच्छे एक्टर थे जूनियर महमूद जी, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की जूनियर। लेकिन आजकल लोग जो बोलते हैं डुप्लीकेट, वो बहुत ख़राब शब्द है, क्योंकि हम लोग डुप्लीकेट नहीं है, लुक लाइक बोलो या जूनियर बोलो, डुप्लीकेट एक अलग हो जाता है। तो कल्लू भाई ने जो इतनी हिम्मत की है, इतनी भागदौड़ की है, इसके लिए कल्लू भाई को मेरी तरफ से और जितने भी लुक लाइक आए हैं सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर धर्मेंद्र सर, आप तो कौन नहीं जानते हैं जग में, आपको आप कितना प्राउड फील हो रहा है कि धर्मेंद्र जी के नाम से आपको जाना जाता है, आप उसके नाम से आप कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ये समझिए मतलब कल्लू भाई हम लोग लाइकों को बहुत काम दिलवाए, मतलब हमेशा किसी न किसी डायरेक्टर से, और जो बूवी बूवी आप देखते हो बूवी बूवी में उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। और हालांकि मैंने उस वक्त बूवी बूवी में सेकंड प्राइज जीता था, तो ये कल्लू भाई की बदौलत ही हुआ था। और कल्लू भाई बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं और प्रेम कभी कभी उनका जिक्र करते हैं, हम दोनों हंसते रहते हैं, उनकी बात याद कर करके हंसते रहते हैं, इतने प्यारे इंसान हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा इंसान बहुत कम होते हैं, बस हमारी तरफ से उनकी बस ये है कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी उम्र दे और हमेशा स्वस्थ रखे। थैंक यू सर। और हमारे रामचंद्रन साहब आए डायरेक्टर, यहाँ उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक आर्टिस्ट बैठे यहाँ, विनोद त्रिपाठी सर, हाथ उठा नहीं खड़े रह के बताइए, कई फिल्में की इन्होंने विनोद त्रिपाठी और साथ खास करके अमजद खान का एग्जैक्ट इन्होंने रोल किया, और जो भी यहाँ बैठे सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील भाई, कल्लू भाई का जोरदार ताली। इतने मेहनती कलाकार होते हैं और असली कलाकार को हर वक्त जिंदा रखते हैं, ताज़ा रखते हैं, हर महफिल में छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस कला को दिल से सलाम है, प्रणाम है, जो आप काफ़ी लोगों से मिलते रहते हैं। कभी कभी लगता है नकली कलाकार असली है और असली कलाकार नकली है। ये जितने कलाकार हैं दिल के साफ है और बहुत ही ज़बरदस्त
इनका इनका प्यार जो होता है बहुत नेचुरल होता है, बहुत ओरिजिनल होता है, और अपने असली कलाकार से भी बहुत प्यार करते हैं और जनता से भी बहुत प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ इनको ग्रैंड सैल्यूट, बटुंदा की सैल्यूट कहूँगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ये अपने आप में दादा साहब फन के अवार्ड। जैसे शाहरुख भाई हमारे खास करके जिन्हें बहुत अच्छा, उनके लिए जोरदार तालियां कि जीरो के टाइम पे उन्होंने आपको हीरो बनाया था। राजू भाई का बहुत सारा प्यार है हमारे को सपोर्टिंग में आए, और सुनील पाल सर ने तो हर टाइम उनके पिक्चर में रहते हैं, तो कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे प्रोग्राम मैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे फैंड्री साहब से और शिंदे साहब से बोलूंगा कि कलाकारों का मानदान शुरू करा जाए और कलाकारों के लिए बार बार प्रोग्राम देने के लिए पोजीशन दिया जाए। इसके लिए धन्यवाद आपके लिए।